हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिले में जन अनुशासन कर्फ्यू का दिख रहा असर, बाजारों में पसरा सन्नाटा। पाली जिला पुलिस अधीक्षक जिला कलेक्टर के निर्देश से प्रशासनिक जाप्ता एवं पुलिस जवान जुटे व्यवस्थाओं पर जन जन अनुशासन कर्फ्यू पालना की जा रही अपील। पाली राज्य सरकार के निर्देश से एवं जिला कलेक्टर अंशदीप के निर्देश से शनिवार रात्रि 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू और बंद का आह्वान किया गया है। इसी के मद्देनजर जिला कलेक्टर अंशदीप जिला पुलिस अधीक्षक रंजन दुष्यंत के निर्देश से जिले वासियों को जन अनुशासन कर्फ्यू बंद पालना की जिले वासियों से अपील की जा रही है। तो वहीं सोजर DYSP डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ के द्वारा सोजर सर्कल में भी कड़ाई से गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं सोजर सर्कल में थाना अधिकारी द्वारा रात से ही पूरे क्षेत्र में गश्त करते देखे जा रहे हैं। तो वहीं कर्फ्यू के चलते जिला मुख्यालय सहित जिले भर के समस्त उपखंडों एवं बड़े नगरों के बाजारों में सन्नाटा पसरा है। आवश्यक सेवाएं दूध डेयरी मेडिकल खुले हैं। तो वहीं समस्त प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने के निर्देश होने की वजह से ये व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं। जगह जगह पुलिस जाब्ता तैनात है और क्षेत्रवासियों को बढ़ रही कोरोना महामारी के मद्देनजर रखते हुए अनुशासन कर्फ्यू के दौरान प्रशासन की मदद करने सरकारी गाइडलाइन की पालना करने का आह्वान किया जा रहा है। पुलिस द्वारा सभी क्षेत्रों में गश्त की जा रही है एवं कर्फ्यू पालना की अपील की जा रही है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए सोजर DYSP डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ इन्होंने ये कहा, वीकेंड कर्फ्यू की सभी थाना क्षेत्रों में लगातार गश्त और निगरानी जारी है। रात 11 बजे से जो कर्फ्यू इम्पोज किया गया था उसकी पूर्ण पालना सर्किल क्षेत्र के सभी थाना क्षेत्रों में हो रही है। लगातार SHO साहिबान और जाप्ता बीट वाइज लगाया हुआ है। मैं सभी जगह पर्सनली देख रहा हूँ। श्रीमान SP साहब, एडिशनल SP साहब जरिए टेलीफोन वायरलेस लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कम्प्लीटली पालना की जा रही है। जागरूक टीवी के सोजट से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।